बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमीद करती हूँ सब खैर खरिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैर खरिया से हैं। अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे, शादो आबाद रखे और ठीरो खुशियाँ दे। इसी के साथ करती हूँ जी आज की वीडियो शुरू। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आए हुए हैं हमारे घर में मेहमान। तो वीडियो मैंने पहले बनाई है, इंट्रो बाद में कर रही हूँ। तो इसी के साथ सब बहन भाइयों से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना, लाइक करना, शेयर करना। और इसी के साथ करते हैं जी आज की वीडियो शुरू। तो आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि समीर बेटे ने एक तो पोजीशन ली है, वो भी अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करना है क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इस साल हो गया था समीर बेटा बीमार। तो इसलिए तो मुझे उम्मीद नहीं थी लेकिन मेरी उम्मीद पे खरा उतरा है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई पोजीशन उसने हासिल कर ली है। तो अल्लाह पाक का जी लाख लाख शुक्र है क्योंकि बच्चे इस तरह पोजीशन पर आए तो माँ बाप का दिल बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जो मेहनत की थी उसे उसकी मेहनत का फल मिल गया। अल्लाह पाक जी मेरे बेटे को इसी तरह कामयाब करता रहे और सब बहन भाई भी मेरे बेटे के लिए ज़रूर दुआ करना। तो दूसरा जी अम्मी जी और भाई फियाज आए हुए हैं, हमारी कुछ चीज़ हमारा गिफ्ट आया हुआ था पार्सल हमारा वो देने के लिए और साथ साथ जो भी सीन अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ। दूसरा समीर बेटे के मिलने के लिए भी अम्मी जी आई, अम्मी ने मेडिसिन लेनी थी फिर उधर से आगे भी आए हैं क्योंकि कहते थे कि समीर बेटे को मिल के आते हैं। अम्मी जी ने वादा किया था समीर के अच्छी तरह पढ़ो तो फिर जब आप पोजीशन पैद आप, इसलिए तो वो आए थे समीर के लिए चीज़ें वगैरह लेके जो समीर ने कहा था वो चीज़ें लेके आए थे। तो इसलिए अभी जो भी अगला सीन है अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगे। तो जे जी देखते हैं अम्मी के साथ शेयर करते हैं। अब अच्छा जी, समीर ने पोजीशन हासिल किया, थर्ड पोजीशन हासिल किया समीर ने, मेमा और कबीर ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया। लो जी बल्ले 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 बल्ले। समीर बेटा जिन्ना बीमार रहा है ना तो मैं बड़ी खुशी हुई है क्योंकि पहले बंदा फर्स्ट पोजीशन सेकंड भी आती थी ना, फर्स्ट भी आती थी इन्नी खुश नहीं तो ये जिन्ने कह दो भाई बीमार रहा थे फिर भी तीसरी पोजीशन पे आ गए। माशाल्लाह जी अल्लाह पाक रखिया सारे ने इन्हां दी खुशियां ना दे इन्हां देख के ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਓਏ ਜੁੰਡੋ ਇਧਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੱਪੜੇ ਸੁਣੇ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ मैं कह रहा सी मैं बाजी नूं कहांगे स्कूल बुला लो, सामने याद ही नहीं इतवार अज फर्स्ट पोजीशन हासिल की नहीं फर्स्ट आई है मुंदे, मैं कल पुछिया सी राती राती पुछिया सी मैं। अच्छा हाँ जी, ओ उत्थे चाक च पढ़दे आ ना गांव च, ए फिर शहरों गए आ। मैं कह शहर दे ते गांव दे बच्चे दी पढ़ाई दा बड़ा फर्क आ। हां ते हुण इथे स्कूल दा पता कीता, ओ कहंदे जेड़ा फ्रेंड स्कूल जेड़े ओ इथे सुबह टाइम दे बच्चे ले जांदे आ ते सेकंड टाइम जेड़ा सेकंड टाइम ओ 5:30 बजे छुट्टी हुंदी है ते इतवार दी छुट्टी नहीं हुंदी उस स्कूल। उत्थे लास्ट चार छुट्टियां हुंदियां महीने दीयां इकट्ठियां एंड ते हुंदियां महीने दीयां। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੁਭਾ ਚਲੋ ਇੱਕੋ ਗੱਡੀ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ ਚਾਹੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ 5:30 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ, ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਊਂਗਾ।
अगले साल ना तुसी उत्थे शिफ्ट हो जाओगे ना, मेरी सुनो, उत्थे शिफ्ट हो जाओगे ना, इन्हें यदि ट्यूशन रखवा दियो नाल ही, वही उत्ते मैंने तो एक साल ज़्यादा करवा लियो, तो मैं नहीं मशवरा दूंगा थानू, या इतने इस साल भी ट्यूशन रखवा लो, तो इस तरह इन्हू ना भेजो शहर, फिर आना जाना फिर मसला करेगा। बेडशीट बाजी होनी पा के चेक कर लगे, मैं कहा सानू तोड़ दवा मेहरबानी करो, तुसी पिछे अपना ट्राइया कर दे रहे हो। हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, पा के फाइनल लुक थोड़ा दिखाते बाजी हूँ, असं हूँ चलें एक बज गया वा, तो बाकी फिर जरा वा ना बाजी हूँ सारा ट्राई करते हैं। बेडशीट लगती क्योंकि पहले मेरे को गर्मी वाली बेडशीट कोई नहीं थी, है मैं झूठ बोला, कहते कोई इंसान होंदा है भैन भरा ऐसा जिहड़ा दिल दियां गल्लां सारियां बोलदा, जिहड़ा इंसान नूं अच्छी तरह जान सकदा है कि यह भैन भरा मेरा झूठ नहीं बोलता तो यह सच बोलता है। कि साढ़े दिल के सदके भैन ला मेरी भैन नूं भी बीमार रही थी रही है, अल्लाह पाक उन्होंने भी सेहत तंदुरुस्ती दे, भाई नूं भी लामियां सेहत देगा तो कमाएगा, फिर ही हो सकते हैं। सारे पोस्टर बाहर कढ़ कढ़ के ना रखे थे, तो हूँ सारे पोस्टर भी बेच पाती है, तो तैं भी सारे की लानी है। माशाल्लाह जी सूट बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मैनूं बड़े पसंद आए हैं, अम्मी जी नूं बहुत ज्यादा पसंद आए, तो अम्मी जी भी बड़ी खुश सीगी कि अल्लाह मेरी उस धी नूं इन्ना क देवे, ते जिहड़े सब दा इन्ना ख्याल रखदी है। अम्मी जी अज मैं बड़ी खुश हाँ कि मेरे कोल इन्ने, जिंदगी च पहली दफा जी मेरे कोल इन्ने सूट आए हैं, अगे भी मेरी भैन ने मैनूं तीन चार सूट भेजे सी, हुण फिर तीन चार भेजे क्योंकि पहले ये बहुत मेरा दिल लगा था, ये सूट मेरे भी हो गए, इस वास्ते मैं बड़ी खुश हूँ। या मेहमान मेरी जी ओदी आंटी ने हर चीज ले के दी है, तो फिर भी जो कह दी तेरे ज्यादा हो गए मेरे हम थोड़े हो गए। ये जी पहले मैं सारे सिलाई कर के रखा हूँ, आ सर्दियां में मेरा सूट है, मैं गर्मियों की सिलाई कर लिया, पहले गर्मियों वाले कर ला क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती, जब थोड़ी देर मशीन से बैठ दी है तो फिर मेरे दिन सारी सोच पै जाती है, तो मशीन से ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। पहले कपड़िया की सारिया दी तैह लगा के रख लेनी है, बेडशीट चलो जी बेडशीट मैं पा ली है, लेकिन ये बैड तो काफ़ी वड्डी है, तो इधरों सारी पूरी करके ना इस तरह काफ़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही है, तो लैर साढ़े को चले गई है, तो इस वास्ते हूँ इस तरह का कलर नज़र आ रहा है। तो हूँ जी आ काफ़ी सारी ना नीचे पई है, उधर इधरली साइड से ना काफ़ी सारी बड़ी है, हूँ इन्हें सोचती पी भी किस तरह जा कटिंग करके दोबारा बनाई जाए, जो फिर इन्हों मंजिया दिया दो दिन चादर बनाई जाए, इस वास्ते
मैं चेक कर रही सी ते हुण बाकी माशाल्लाह जी मैनू बहुत नाइस लगी, बहुत कलर भी प्यारा लगा ते बॉर्डर शॉर्डर हर चीज़ काफ़ी प्यारी बनी है। यह जी साड़ी बैड दी फाइनल लुक ते कपड़े शपड़े सारे मैं क्लोज करके इत्थे रखे है जे ये हुण सारे चुक दी हैं। इतों रहमान रहीम जी, अब मैंने बेडशीट वगैरह सारी सीधी पदरी कर ली, बेड पे बिल्कुल सेट फैट है और ये बॉर्डर ना इस तरह आना था क्योंकि मेडिसिन मैंने खाई हुई है, मेरे दिमाग काफ़ी ख़राब है, कोई समझ नहीं आ रही मुझे, एक बुखार बहुत ज़्यादा है और दूसरा अम्मी जी लोग आए जल्दी जल्दी चले गए खुशी के मारे ना इतनी चीज़ें देख के कोई समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए अभी ये सारी चीज़ें मैंने सीधी पदरी करके रखी हूँ। ये बेडशीट भी डाली हुई फाइनल लुक, अब ये है बेड की तो इस तरह ये पूरी है बिल्कुल बेड पे है ना माशाल्लाह जी। बहुत ज़्यादा भाई फ्याज को भी पसंद आई है, काफ़ी मुझे भी पसंद आई है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेडशीट डाल के ना अभी बेड पे थोड़ी देर लेटती हूँ क्योंकि मेडिसिन फिर खाई है, कुछ सुकून आ जाए तो इसलिए जी अल्लाह पाक जी इन्ना सारे भैन भाइयों को देवे कि खुशियां ही खुशियां उन्होंने घर च हुण गमियां कभी उन्होंने छू भी ना सकन जी। अभी हम लगे सालम बनाने, शाम का टाइम हो गया, बादल काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं तो बच्चे मेरे खेल रहे हैं, मामा बिटिया मेरे पास है तो इधर ये सारी चीज़ें निकाल निकाल मेरे पास रख रही है, गुड़िया लेके खेल रही है तो मसाला तैयार हो गया। अभी ये टिंडियाँ मैंने काट के रखी हुई तो ये डालती हूँ, कैमरा मेरे हाथ में है इस तरह ही डालनी पड़ेंगी जे इसमें जे इधर मेहमा ना गुड़िया भी सला रही है साथ साथ जे मेहमा गुड़िया सो रही है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। टिंडियाँ मैंने डालनी है आज, आलू नहीं डाले साथ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हर चीज़ में आप ना आलू ऐड कर देती हैं, मम्मा जी अब तो आलू खाने का भी मन नहीं कर रहा तब अकेली टिंडियाँ बनाई हैं तो अभी अच्छी तरह टिंडियों की बनाई करती हूँ, ऊपर से कवर कर देती हूँ, अब अच्छी तरह बनाई करती हूँ टिंडियों की। मेरा मन नहीं रहे सारा थोड़ा तैयार हो गया टिंडियाँ का तो हम अभी बनाएंगे रोटियाँ क्योंकि काफ़ी तेज बुखार है मैंने भी इस वास्ते बच्चे रोटी पका के खाना तो बना के देना पैना है, हम बाद खाने खाना छाने काफ़ी देर है रोटी।